मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, बचपन से वसुंधरा राजे की यही प्रेरणा है, यही शक्ति है और यही जीवन का मूल मंत्र है। एक राज परिवार में पैदा होने के बावजूद वसुंधरा राजे का जीवन बहुत संघर्षमय बीता, लेकिन जीवन के संघर्ष का उन्होंने दृढ़ता से सामना किया। कभी हौसला नहीं छोड़ा। केवल 8 साल की उम्र में उन्होंने पिता को खो दिया। ऐसे में उनकी माँ श्रीमती विजया राजे सिंधिया ने परवरिश की और ऐसे संस्कार दिए जिससे परमार्थ सेवा उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। माँ ने उन्हें ये सबक दिया, राजनीति कोई पेशा नहीं है, जन सेवा का जरिया है। ये जनसेवा तभी संभव है जब जनता को परिवार समझा जाए। यही वजह है मुख्यमंत्री होते हुए भी वो जनता के बीच कभी बहन होती हैं, कभी माँ होती हैं, तो कभी बहू या बेटी। उनकी आंखों में एक ही सपना बसता है, सुखी और समृद्ध राजस्थान का। वसुंधरा राजे ने 1984 में राजनीति के सफर की शुरुआत की। तब से लेकर दूसरी बार मुख्यमंत्री का दायित्व निभाने तक उन्होंने तमाम राजनीतिक आंधियों का सामना किया, लेकिन गरीब, कमजोर, किसान और पिछड़े की सेवा के जज्बे को कहीं भी थमने नहीं दिया। चाहे भामाशाह कार्ड हो या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को डिजिटल करना हो, हर योजना के पीछे एक ही मकसद रहा, किस तरह से दूर दराज में बैठे आम आदमी को राहत मिले, उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उनकी दूरदृष्टि का भी कोई सानी नहीं है। उन्होंने इस मरुधरा में आने वाले समय में पानी की जरूरत को अभी से समझा और जल स्वावलंबन जैसा भागीरथी अभियान छेड़ दिया और आम जन को ये संदेश दिया, राजस्थान के हर ग्राम, ढाणी और शहर को भविष्य में विकास के पथ पर ले जाना है। तो आइए हम सब साथ चलें, आओ साथ चलें। आइए हम स्वागत करते हैं राजस्थान की जनता के दिलों पर राज करने वाली हमारी प्रिय राजश्री वसुंधरा राजे का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, नमस्कार। मुख्यमंत्री जी, वर्तमान सरकार के सफलतम 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम अवलोकन करें तो 3 वर्ष पहले सुराज संकल्प पत्र ने जो वादे आपने किए थे, जनता को सुराज देने का, आम जनता को बेहतर प्रशासन देने का, इन 3 सालों के कामकाज से आप कितनी संतुष्ट हैं? पूरी संतुष्टि तो मिल कभी भी नहीं सकती है, क्योंकि हमेशा कोशिश ये होती है कि जो काम हुआ है अच्छा हुआ है, पर उसको और भी बेहतर करने की कोशिश अपने को करनी है। और फिर इतने सारे लोगों की आशाएं, इतने सारे लोगों का साथ और आशीर्वाद, ये एक बहुत बड़ा भार भी है। और इस प्रेम के भार को निभाने के लिए 24 घंटे 365 दिन मैं मानती हूँ कि कम है, पर फिर भी बहुत सारे काम हो चुके हैं। जब मैं इसका रिव्यू करती हूँ तो मैंने देखा है कि करीबन 73% काम हम लोगों ने अपने फ्लैगशिप योजनाओं के द्वारा जनता के सामने लाने का काम किया है, और अभी भी जो बाकी बचता है मैं समझती हूँ कि उनको भी आने वाले 2 साल के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। जो बड़े काम हैं, मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छे और सुखद परिणाम भामाशाह योजना के अपने को मिले हैं। आज राजस्थान का नाम पूरे देश के अंदर है, गोल्ड मेडल हम लोगों को उस पर मिला है, क्योंकि भामाशाह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने 4,71,00,000 लोगों को उनको जोड़ा है और 1,32,00,000 लोगों को, परिवार जिसको कहती हूँ मैं, उनको उसमें जोड़ा है। 5,000 करोड़ रुपए लोगों के बैंक अकाउंट्स में गए हैं और रुपए कार्ड, आधार वगैरह के साथ को ब्रांडिंग करने का काम अगर कहीं हुआ है तो वो सिर्फ राजस्थान में हुआ है। सब लोग राजस्थान का लोहा इस एरिया में मानते हैं, परंतु इस कार्ड के ऊपर हमने ये कोशिश की है कि हमारे लोगों को फायदा तो होगा ही होगा, परंतु कितनी चीजें हम इस कार्ड के ऊपर ला सकते हैं। तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जिसको हमने इसके साथ जोड़ा है, ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम साबित हो रही है। अलग से हमने 400 करोड़ रुपए आपके फ्री मेडिसिन्स के लिए दिया तो दिया ही है,
परंतु 6 लाख से अधिक इंडो पेशेंट्स को करीब 3.5 करोड़ रुपए की चिकित्सा फ्री मिली है, ऑपरेशंस फ्री मिले हैं। मैं कुछ दिन पहले अभी एसएमएस हॉस्पिटल गई थी जी। तो एक महिला ने मेरे को हाथ पकड़ के बीच में रास्ते में रोका और उन्होंने ये कहा कि पहली दफा रात को जब मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया तो मैं बहुत चिंतित थी क्या करूंगी, परंतु इस सुविधा की वजह से मैं उसको हॉस्पिटल में ले जा भी पाई, 8 घंटे का ऑपरेशन भी हुआ, आज वो ठीक है और कंप्लीटली कैशलेस हुआ। तो ये राजस्थान के लिए एक वरदान आगे चल के साबित होगा। और दूसरी बात जो हम लोगों ने इसमें लाने की कोशिश की है, जिसका मुझे गर्व है, वो है राशन दुकानों का जी। राशन 25,000 दुकानें ऐसी हैं पूरे राजस्थान के अंदर जिसमें आज पॉस मशीन के द्वारा राशन दिया जा रहा है, और हमने 5,000 उनमें से रूरल मॉल्स की के हिसाब से उनको बदला है, ये सोच करके कि एक तरफ राशन तो मिलेगा ही मिलेगा परंतु दूसरी तरफ उनको शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं सस्ते दाम पे अच्छा माल अच्छी तरह से पैक किया हुआ उनको मिल जाए और वो भी कार्ड या पॉस मशीन के द्वारा उनको मिले। बाहर दुकान से जाएंगे अगर उन्होंने राशन लिया है, कैशलेसली राशन लिया है, तो टेलीफोन पे उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि कितना राशन उनका उसमें बाकी बचता है। और फाइनली दूसरे तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, जल स्वावलंबन योजना के बारे में तो आपने खुद ने कहा है, परंतु राजश्री योजना ये मेरी एक बहुत अच्छी योजना है जिसको जून के महीने में हम लोगों ने चालू किया है। राजस्थान में हम अपनी महिला की इज्जत करते हैं, हम अपनी लड़की को सरस्वती मानते हैं, उसको लक्ष्मी मानते हैं, इसलिए भामाशाह कार्ड भी महिला के नाम पे उसको मुखिया मानते हुए हम लोगों ने बनाया है। और अब राजश्री योजना जो हमारी है वो शिक्षा के लिए जो हमने बनाया है, उसमें जब बालिका का जन्म होता है उसको 2,500 रुपये, जब वो प्रथम वर्षगांठ पे आती है तो 2,500 रुपये, जब वो राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश करती है तो 4,000 रुपये, कक्षा 6 में प्रवेश करती है तो 5,000, कक्षा 10 में 11,000 और 12वीं में 25,000। 12 साल में जब वो स्कूल से बाहर निकलती है तो उसके पास 50,000 रुपये उसके अकाउंट में होते हैं। और मैं यहाँ खुशी से कह सकती हूँ कि पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी स्कीम है और इसको धीरे धीरे लोग मानते हैं, क्योंकि हमने इसमें ये नहीं कहा कि खाली 2 बच्चियों के लिए हो या SC के लिए हो, ST के लिए, हमने कहा है कि बच्चियां होती हैं तो उस बच्ची का हम लोगों को इंतजाम करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो आज प्रदेशवासियों के लिए सुअवसर है कि वे माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से अपने मन की बात कर सकते हैं, जी हां, सरकार की प्रमुख योजनाओं पर अपने सुझाव दे सकते हैं। हमारा निवेदन है कि केवल एक ही प्रश्न करें और सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर ही प्रश्न करें। प्रश्न करते समय रेडियो की आवाज का ख्याल रखें, उसे धीमा रखें या बंद कर दें ताकि आपका जो प्रश्न है वो मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट सुनाई पड़े। हमारे फोन नंबर्स अब आपको नोट करने हैं जी, जयपुर का कोड है 0141 और हमारे नंबर्स है 2200 2700 2800। तो इंतजार आपके प्रश्नों का, आपके कॉल्स का। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। जी नाम बताएं, परिचय नहीं। मैं श्वेता उपाध्याय बोल रही हूँ। कहाँ से? मैं श्वेता उपाध्याय बोल रही हूँ। मैंने पोषण के ऊपर मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए। बिल्कुल बताएं। मेरा जो प्रश्न है कि 3 वर्षों में काफी काम किया गया है पोषण के ऊपर, स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है, ICDS विभाग भी कर रहा है जी। लेकिन अगर हम NFHS के जो रिजल्ट आए हैं अभी वो देखते हैं तो हमारे सूचकांकों में परिवर्तन नहीं हो पाया है। तो मेरा कहना है कि कई राज्यों ने न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च किया है, अगर हम बात करते हैं पोषण की तो राजस्थान में हम कई बार बच्चों को ही टारगेट कर रहे हैं। अच्छा। गर्भवती माताओं को हम कब टारगेट करेंगे या न्यूट्रिशन मिशन हम लेके कब आएंगे जिससे कि हम राज्य के पोषण के सूचकांकों में एक बदलाव देख सकें, पॉजिटिव जिसको चेंज कहते हैं। बिल्कुल, और आपने कहाँ से कॉल किया है ये नहीं बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट इशू रेज किया है और हम पूरी तरह से इस पे चिंतित हैं। एक अपने पास जो अभी रिसेंटली फिगर्स आए हैं जिसका मुझे अभी खुशी है कि जो हमारे जेंडर रेशियोज बहुत स्क्यूड थे, आज वो गर्ल चाइल्ड का रेशियो हमारे इन 3 वर्षों के अंदर इंक्रीज होके 921:1000 तक पहुंच चुका है। तो मैं समझती हूं कि
इट इज द बेस्ट इन द कंट्री टूडे. सो इफ यू लुक एट दीज फिगर्स, धीरे धीरे हम लोग अब 3 साल के अंदर तो मैजिक तो हो नहीं पाएगा, परंतु हमारी कोशिश ये है कि इन सब फिगर्स को हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करें. जी, अगले कॉलर तक पहुंचते हैं. हेलो, नमस्कार. नमस्कार मैडम, अपना परिचय दीजिए सर, सवाल कीजिए. महेश कुमार, राजस्थान सीकर रघुनाथगढ़ से बोल रहा हूँ मैडम. जी बताएं, क्या सवाल करेंगे मैडम? जो लघु उद्योग लगाते हैं अपन, जी उस लघु उद्योग के लिए जमीन को कन्वर्जन करवाने के लिए बोलते हैं जी, तो ग्रामीण में कन्वर्जन अनिवार्य थोड़ी है. ये जैसे मान लो इसको कन्वर्जन करवाओ, कि कन्वर्जन होगी नहीं क्योंकि बुजुर्गों के नाम खाते हैं, 8-10 आदमी के नाम खाते हैं उस जमीन में, अगर बिगर कन्वर्जन लघु उद्योग लगा सकते हैं क्या? तो कन्वर्जन की बात आप पूछना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो ग्रामीण है उनको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. कभी कभी कागज नहीं होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. नो कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड, उसमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है. अच्छा सर, सुन ली आपने बात माननीय मुख्यमंत्री जी की. चलिए अगले आगे कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं. अगले कॉलर कौन हमारे साथ है, आइए जानते हैं. हेलो, नमस्कार. Hello. जी, क्या नाम है आपका? लाखाराम बोल रहा था. कहाँ से बोल रहे हैं लाखाराम जी? बाड़मेर से बोल रहा था, बाड़मेर. चलिए सवाल कीजिए अपना. मेरा सवाल ये है कि मैंने क्या है कि अभी राजस्थान संपर्क जो अपना पोर्टल है, जो शिकायत कई बार दर्ज होती है, लेकिन अधिकारी क्या करते हैं कि अपने हिसाब से समाधान करते हैं, और पब्लिक की क्या है जो समस्या है धरातल पर जो की त्यों बनी रहती है. सिर्फ 10% शिकायतों का ही संपर्क पोर्टल पर वास्तव में समाधान होता है. मैं इसका भुगत भोगी हूँ. पिछले 2 साल से सार्वजनिक GLR में पानी की सप्लाई के लिए मैंने शिकायत दर्ज कर रखी है, लेकिन बार बार मैं उस शिकायत को रीओपन करता हूँ, लेकिन अधिकारी क्या करते हैं गलत जवाब डाल करके इसको क्लोज कर देते हैं. किंतु अधिकारी ये भी कहते हैं कि संपर्क पोर्टल पे आपने शिकायत दर्ज करी, उससे आपका समाधान नहीं होगा. मैं ये चाहता हूँ. जी जी, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये इसमें मतलब सरकार को प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर एक मोबाइल वैन जो संपर्क पोर्टल के निर्देश करके गांव का दौरा करना चाहिए. तो एक वैन होनी चाहिए, मोबाइल वैन, जिसके जरिए आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो. थैंक यू आपका सुझाव, उसको हम ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे. शिकायतों का वेरिफिकेशन भी और डिस्पोजल भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं, और रीओपन जैसे आपने कहा वो रीओपन भी होते हैं. और मुझे खुशी है कि बहुत सारे इसके ऊपर 7-8 लाख शिकायत संपर्क पोर्टल के ऊपर दर्ज भी किए गए हैं, और उसमें से कई लाख कंप्लीट भी हो चुके हैं. क्यों हमें मालूम इसलिए है, क्योंकि कॉल सेंटर्स के द्वारा हम इनकी चेकिंग भी करते हैं, तो इसलिए हम लोगों को मालूम पड़ जाता है कि वाकई में इनका डिस्पोजल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और मुझे खुशी है ये आपको बताते हुए कि हो सकता है कि आपकी इस प्रॉब्लम में कुछ बाधा आ गई हो, परंतु बहुत सारी ऐसी केसेस हैं जिनको हम पूरा कर पाए हैं. और आपकी शिकायत है, क्योंकि अब आपने मेरे को यहाँ बताया है, बता दीजिए, उसको फिर देख लेंगे. जी, कॉलर अगले साथ में. हेलो, नमस्कार. हेलो जी, नमस्कार जी. नाम बताए मैम. मैं श्वेता उपाध्याय बोल रही हूँ. अच्छा, तो आपका सवाल हो चुका है मैम, हम दूसरे कॉलर्स को मौका दें, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहेंगे. माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे साथ हैं. हेलो, नमस्कार. हाँ जी मैडम जी, नमस्कार. मैं हनुमानाराम नागौर से बोल रहा हूँ जी. जी हनुमानाराम जी, मैं मैडम जी से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि मेरे 2 लड़के हैं और मैं 3 भाइयाँ और हमारे पिताजी 2 भाई हैं जी, तो हमारे क्या खेती अभी ज्वाइंट में खेती चल रही है, और जमीन है जो एक ही पिताजी के और उनके भाइयों के नाम है, तो वो अलग अलग करने के लिए क्या सरकार ऐसा कोई प्रावधान है कि जो बिना पैसे ही मतलब अपने बच्चों के नाम किया जा सकता है? यदि पिताजी जिंदे है तो भी वो अपने पोतों के नाम कर सकता है, ऐसा कोई सरकार के पास प्रावधान है? न्यायिक कानून की बात आपने छेड़ दी है यहाँ पर. मुझे लगता है कि जो न्याय से जुड़े हुए लोग हैं, न्यायिक लोग हैं, वो इसका ज्यादा बेहतर तरीके से आपको जवाब दे पाएंगे. माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रही हैं आपसे, वो भी सुन लीजिए. न्याय आपके द्वार कार्यक्रम हम लोगों ने चालू करके रखा है आप लोगों के लिए, और उसके कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो SDO आपकी मदद जरूर करेगा. बिल्कुल, अगले कॉलर हमारे साथ है. हेलो, नमस्कार. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग, मैं संजय कौशिक बोल रहा हूँ जयपुर से. जी सर, सबसे पहले मैडम को बधाई 3 साल की. थैंक यू संजय. मैडम मैं टूरिज्म में बिजनेस में हूँ, ट्रैवल बिजनेस में हूँ. पिछले कुछ सालों में टूरिज्म बड़े डोल ड्रम्स में है, काफी मतलब मुसीबत चल रही है, टूरिज्म बढ़ नहीं रहा है.
तो एक तो मैं चाहता था कि आने वाला साल चाहे वो 1 दिसंबर से हो चाहे 1 अप्रैल से हो, विजिट राजस्थान जैसा कोई ईयर बनाया जाए जिसमें जो टूरिज्म को बहुत एग्रेसिवली प्रमोट किया जाए, क्योंकि और जो स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, पहले तो केरला से खाली कंपटीशन था, बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए जिससे शायद टूरिज्म को और ग्रोथ मिलेगी। हमको खाली फॉरेन टूरिस्ट नहीं, डोमेस्टिक टूरिस्ट पे भी फोकस करके, और राजस्थान सरकार बहुत अच्छा कर रही है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं और ज्यादा जरूरत है एग्रेसिवली काम करने की। एक तो ये, दूसरा जो राजस्थान में इतनी सारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, अप्रोक्सीमेटली 700 अंदाजन मैंने काफी सारा लिखा पढ़ा है, तो उनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनके मालिक उनको सुधार नहीं पा रहे हैं, कहीं उनको मदद करके उसको अच्छी तरह रेस्टोर करके, क्योंकि टूरिज्म में नए डेस्टिनेशन जब तक डेवलप नहीं होंगे, टूरिज्म बढ़ने में कुछ फॉरेन टूरिस्ट में इनबाउंड में स्पेशली दिक्कतें आ रही हैं, कुछ नया प्रमोट राजस्थान नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं लैक्यूना है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे 2 सुझाव हैं और मुझे लगता है टूरिज्म राजस्थान की लाइफ लाइन है, बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग बिजनेस है, तो उस पर आपका फोकस रहा है और रहे इस बारे में थोड़ा प्रकाश डाले तो मेहनत। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा सुझाव भी रहा है। थैंक यू फॉर बोथ योर सजेशंस, दे आर बोथ यूजफुल। टूरिज्म यूनिट पॉलिसी अगर आप पढ़ें, इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी, एंड नाउ अ मिशन ऑन टूरिज्म जिसको हम बहुत जल्दी आप लोग सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। बाय मार्च दिस ईयर आपके टूरिज्म के मिशन को हम बनाना चाहते हैं, जिसके द्वारा जो आपने अभी सुझाव दिए थे हाउ टू ब्रिंग इन मोर टूरिस्ट, उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। बट दैट इज नॉट ओनली थिंग, हम इसके साथ साथ जो म्यूजियम्स हैं, जो आपके जैसे जेके के जैसे स्थान हैं, जो आपकी लाइब्रेरीज हैं, जो आपके रंगमंच जैसे जहां प्लेज वगैरह होते हैं वो हैं, इन सबको एक नई लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देर इज अ क्वालिटी ऑफ टूरिज्म इन द स्टेट इटसेल्फ। हम भी मानते हैं जैसे आप कह रहे हो कि ये बहुत जरूरी है कि बिकॉज इट्स अ लाइफ लाइन, राजस्थान की लाइफ लाइन रही है, और आज बहुत सारा कॉम्पिटिशन भी हो रहा है कि चॉइसेस भी पर्यटकों के सामने आ गया है क्योंकि इतने सारे स्टेट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपको मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहूंगी कि टूरिज्म ने एक प्राइड ऑफ प्लेस राजस्थान के अंदर है और उसको और मजबूत करने का काम थ्रू दिस मिशन ऑन टूरिज्म वी शुड बी एबल टू गिव यू। सो इफ आप हमसे कॉन्टेक्ट में रहते हैं संजय जी, इसको लगातार आपको देखने को भी मिलेगा। अग्रेसिव मार्केटिंग की तरह से आपने हमारा नया कैंपेन देखा होगा, और उस नए कैंपेन के अंदर हमने बिल्कुल ही एक अलग लाइन लेने के काम किया है। पैलेसेस, फोर्ट्स एंड हवेलीज, ये एक राजस्थान की विरासत है और सब लोग राजस्थान को इसी तरह से जानते हैं। हम लोगों ने नए मार्केटिंग कैंपेन के द्वारा यंगस्टर्स के साथ को साथ जोड़ने का काम करने की कोशिश की है, एंड दैट कैंपेन बहुत अच्छी तरह से मैंने लोगों के जहन में बैठा है, लोग बहुत उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आपको अगले 6 महीने में टूरिज्म के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जी हेलो, नमस्कार, नाम बताइए सर। मेरा नाम लल्लू राम है जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बादराम विधानसभा क्षेत्र से। चलिए सवाल सवाल कीजिए अपना। हम क्या है कि विद्यार्थी मित्र हैं, हमारे को स्थायी रोजगार कब मिलेगा सर? जी देखिए, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो मामला आप लोगों का है वो कानून और लॉ में अच्छी तरह से मैंने फंसा हुआ है। हमारी कोशिश ये है और पूरी तरह से सपोर्ट है विद्यार्थी मित्रों को, और ये हम पिछले कुछ सालों से यही कोशिश में लगे हैं कि किस तरीके से रास्ता निकाल के आप लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी में लाने का काम करें। ये मैं बता नहीं सकती हूँ कि कब होगा, परंतु इतना बता सकती हूँ कि हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है। जी हेलो, नमस्कार, मैं सुभाष खजूरिया तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर से बोल रहा हूँ। सर सवाल कीजिए। सवाल मैडम जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ पहले तो 3 साल की उपलब्धियों का। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी। धन्यवाद मैडम। तो मैडम जी, एक हम जैसे तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर से हम महज 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है हम जी, तो ना तो आज तक वहाँ पर कोई सड़क की व्यवस्था है, ना कोई बिजली पानी कुछ नहीं है मैडम। सिर्फ तहसील मुख्य तहसील से हम 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है जी। तो ये मैडम जी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, भी करें तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा उनका। आज 25-30 सालों से कोई व्यवस्था नहीं है। आपका क्या ग्राम पंचायत है?
अगर ग्राम पंचायत है तो ये नहीं होना चाहिए, और आपने अपने एमएलए साहब से बताया कि नहीं बताया ये पूरे आप अगर डिटेल्स दे देते हो अपने एमएलए साहब को तो हम उनसे मंगवा के और आपसे संपर्क करवा देते हैं। बिल्कुल, तो आप एमएलए साहब से संपर्क करके पूरी डिटेल्स उनको दीजिए। हम अगले कॉलर तक पहुंचते हैं। हेलो नमस्कार। हेलो, नाम बताइए सर। आनंद शर्मा एडवोकेट। जी सर, कहाँ से? मैं जयपुर से हूँ। बिल्कुल सर, सवाल कीजिए। आपका सवाल सर? हाँ, मेरा नहीं, मेरा सुझाव है मेरा। बिल्कुल सर, बोलिए सर। हाँ यस सर, वी आर वेटिंग। चलिए अगले कॉलर तक पहुंचते हैं, ये इनके से कनेक्टिविटी हमारी ब्रेक हो गई है। हेलो नमस्कार। हाँ नमस्ते, जयराम सनी बोल रहा हूँ, मैं नीम का थाना सीकर से। अपना परिचय देके सवाल कीजिए जल्दी से। हाँ मैम, ये पूछना चाह रहा था मैं कि गवर्नमेंट और कोर्ट ने दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण के लिए नियम लागू कर दिए, लेकिन अभी तक उसे आमूलचूल उसे लागू नहीं किया गया मैम। तो मैं मेरे गुजारिश निवेदन ये है कि उसे जल्दी से जल्दी लागू करवाएं और बैकलॉग भरवाएं उसका मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, आपका सुझाव मैं ध्यान में रखूंगी। चलिए आगे बढ़े। हेलो हेलो नमस्कार, बोल रही हूँ मैडम को प्रणाम। मेरा कहना यह था कि मैं जगतपुरा से बोल रही हूँ, तो यहाँ पर एक जल समस्या है, पानी की लाइनें नहीं है, कृपया उस पर ध्यान दीजिए, आपसे विशेष निवेदन है। क्या हो रहा है उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आपके सुझाव को हमने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम अपने कॉलर की तरफ। हेलो नमस्कार। जय हिंद मैडम जी। नमस्कार, जय हिंद, क्या नाम है? मुख्यमंत्री महोदय को भी मैं जोधपुर से अर्ज कर रहा हूँ, तेजदान चारण। बोले सर। मैडम मुझे एक तो सवाल ये करना था कि अपने बाड़मेर के आसपास जो रिफाइनरी वाला मामला था, तकरीबन तैयारी था और वो थोड़ा सा अटक गया है, तो मैं चूंकि एक राजस्थान के हित के लिए सोच रही हूँ, मेरा ये प्रश्न है कि वो अटका हुआ मामला क्यों है, और कृपया उसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्द से जल्द करें ताकि राज्य को फायदा हो। ये एक हमें अकड़ती है बात। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा मैम जी, मुख्यमंत्री महोदय से, कि जोधपुर में आपके आने के बाद कुछ भी नहीं हुआ है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जोधपुर से आपका दूरी बना ली हो प्रशासन में, ऐसा लगा, तो ऐसा क्यों है मैम? ऐसा क्यों? मैं पहले तो अपन रिफाइनरी पे चलो। सबसे पहले आपने कहा कि भाई फायदा होना चाहिए राजस्थान को, उसी चीज को लेके ही हम बाड़मेर की रिफाइनरी का नेगोशिएशन करा रहे हैं। आप नहीं चाहोगे कि नहीं 40,000 करोड़ रुपए हम दे दें, आप ये नहीं चाहोगे कि 400 करोड़ की जमीन भी हम दे दें, आप ये भी नहीं चाहोगे कि हम पूरा तेल दे दें, और नौकरी तो मुझे नहीं लगता 600 से ज्यादा कोई रिफाइनरी के अंदर मिलती है, और ये सब देने के बाद अगर हमको राजस्थान के अंदर फायदा नहीं हो तो फिर इतना सब कुछ देके हमको क्या मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि बाड़मेर की रिफाइनरी तो तब लगेगी जब उसका फायदा राजस्थान की जनता को मिलेगा। आपको थोड़ा सा विश्वास हम पे रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछला जो नेगोशिएशन था अगर उसके हिसाब से हम चलेंगे तो मैं समझती हूं कि नुकसान ही नुकसान राजस्थान को है। आज हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, हमको फायदा होगा तो इस चीज को खड़ा रखने का फायदा आप लोगों को भी मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको जोधपुर के बारे में बताना चाहती हूँ। जोधपुर की जनता ने हमको बहुत साथ दिया है, बहुत प्रेम दिया है, और जोधपुर की जनता, आप तो पूरे जोधपुर की बात कर रहे हैं, हम पूरे जोधपुर की जब हम बात करते हैं तो जो सब पूरे राजस्थान के अंदर हो रहा है वो पूरे जोधपुर इलाके के अंदर हो रहा है, चाहे वो ग्रामीण इलाका क्यों ना हो। और जैसे मैंने कहा, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, चाहे वो आपके भामाशाह हो, चाहे वो आपका एमजे माने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन हो, या राशन की दुकानें हो, ये सब काम सब दूर, एक जगह नहीं सब दूर हो रहे हैं, सब संभागों में हो रहे हैं। और मैं ये आपको ये भी बता दूं कि अगले 26 जनवरी का जो फंक्शन होगा वो जोधपुर में ही होगा, और शहर में सुधार का काम माने वॉर फुटिंग पे किया जाएगा। जी, तो चारण जी मैम आपके बिल्कुल करीब है, और अगले कॉलर तक हम जुड़ते हैं। हेलो जी मैम। हाँ परिचय दीजिए जल्दी से, सवाल कीजिए सर। कमलेश सिंगोदिया बोल रहा हूँ टोंक से। हाँ सिसोदिया जी। कमलेश सिंगोदिया। सिंगोदिया साहब बोले, सवाल करें। मेरा प्रश्न ये है कि ईसरदा डैम जो टोंक जिले में है, इसका काफी सालों से प्लानिंग चल रही है, फाइनल से अप्रूवल भी कई बार आ गई, अगर इस पे जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए, डैम को डेवलप कर दिया जाए,
तो टोंक के साथ साथ सवाई माधोपुर और जयपुर को भी यहाँ से पानी सप्लाई, पीने का पानी सप्लाई की एक अच्छी सुविधा हो सकती है। मैम बताएंगे इस इसदा डैम के प्रोजेक्ट की स्टेटस क्या है? नहीं, ये मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ, अगर आप पूछेंगे तो आपको खबर करा दूंगी। यहाँ टेबल पे बैठे बैठे आपको हर एक प्रोजेक्ट का तो इम्पॉसिबल बन रहा है जी। तो आगे बढ़े अगले एक सवाल की ओर। कौन कॉलर है हमारे साथ, जानते हैं? हेलो मैम, मैं सरवन सिंह बोल रहा हूँ जयपुर से। जी बोले सर। मैडम, मैं मैडम से 3 साल के बारे में बार बार बधाई देना चाह रहा हूँ जी। और मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था तो हमारे, हम राजपुर समाज से, तो हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए आपकी क्या योजना है? तो आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हम बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, सरकार की तरफ से राजपुर समाज के लिए क्या योजना है? अभी मैंने आपको राजश्री स्कीम के बारे में बताया, शायद आप सुन नहीं रहे थे। मैंने उसमें आप लोगों को क्लियर, मैं फिर एक दफा रिपीट कर देती हूँ। मुख्यमंत्री राजश्री योजना अभी इस जून से चालू हुई है। अच्छी शिक्षा देने की हमने ये जिम्मेदारी ली है। आपकी बच्ची पैदा होते ही 2500 रुपये उसके जन्म पे मिलेंगे, प्रथम वर्षगांठ पे फिर उसको 2500 रुपये मिलेंगे, राजकीय विद्यालय में अगर वो जाती है कक्षा एक में उसको 4000 रुपये मिलेंगे, 6 कक्षा में जाती है तो 5000, 10 में जाती 11000 और 12वीं में 25000, उसको कुल पढ़ाई के 50000 रुपये मिलेंगे। और उसके साथ साथ हमने ये भी आप लोगों को कोशिश की है कि आदर्श विद्यालय हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर खड़ा हो जाए, वहाँ टीचर आपकी प्रिंसिपल से लेके नीचे एक पहली क्लास तक, माने 12 क्लासों के टीचर्स आपको मिल जाएंगे। और जो 2 किलोमीटर की दूरी पे है वो लड़कियों के लिए या तो एक कूपन मिलेगा या बसें होंगी जिससे बच्चियां स्कूल तक आएंगी। हमारी कोशिश ये है कि हमारी बच्चियां अगर पढ़ के लिख के खड़ी हो जाती हैं अपने पैर पे, कमजोर अगर हैं और वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं, तो मॉडल स्कूल्स, विवेकानंद स्कूल्स जहां भी हों और हमारे आदर्श स्कूल्स जहां भी हैं, अगर हमारी ये बेटियां उनका लाभ ले लेती हैं तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये प्रथम कड़ी पे तो आप लोगों को बहुत सारा फायदा मिल जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार, मैं सीताराम शर्मा बोल रहा हूँ केरपुरा झुंझुनू से। बोले सर। मैम को नमस्कार। नमस्कार। आपके 3 साल के कार्यकाल से मैम बधाई हो। थैंक यू। हमें, मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे शेखावटी क्षेत्र से संबंधित। एक तो जो सरकार ने भामाशाह कार्ड योजना चला रखी है, इसमें निश्चित रूप से ग्रामीणों को फायदा हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है मैम, ये बहुत ही अच्छा है। बट एक तो ये है कि शेखावाटी में मैडम कोई भी एक मल्टी हॉस्पिटल नहीं है, तो छोटी सी बीमारी के लिए भी हमें जयपुर की ओर दौड़ना पड़ना है। तो जी। पूरे शेखावाटी बेल्ट में आपने देखा होगा कि न झुंझुनू में है, न चूरू में है, न सीकर में है, शेखावाटी में मल्टी हॉस्पिटल। इसमें मैं अभी थोड़ा सा आपको करेक्शन कर दूं। जी जी। चूरू के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अच्छा, बन रहा है। आपके सीकर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो मैं तो नहीं समझती हूँ, जयपुर बिल्कुल आप लोगों के पास है, तो आपके जयपुर, जयपुर इलाके के अंदर सीकर में मेडिकल कॉलेज, चूरू में मेडिकल कॉलेज और डायरेक्ट कनेक्शन टू जयपुर। तो मैडम बिल्कुल सही है, लेकिन एक गरीब तबके का आदमी 200 किलोमीटर दौड़ चलता है तो समय और धन की दोनों बर्बादी होती है, मतलब सेमी के लिए। और दूसरा मैडम एक सवाल और था, वो बहुत ही था कि ट्रांसफर पॉलिसी में अभी तक ट्रांसपेरेंसी जो आनी चाहिए। अभी आपने जो कहा मैं उसके लिए आपको और बता दूं, गरीब आदमी को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर उसके पास भामाशाह कार्ड है तो उस भामाशाह कार्ड पे उसको भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना भी लागू हो जाती है, और वो स्वास्थ्य बीमा योजना कहीं भी कार्ड ले जाए हॉस्पिटल में, फ्री में उसको हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है। 30,000 रुपए से लेके 3,00,000 रुपए तक का कोई भी ऑपरेशन अगर करवाना भी है वो भी बड़े आराम से उसका हो जाता है। और इसके साइड बाय साइड 400 करोड़ रुपए के बजट में इस साल में आपको फ्री मेडिसिन का भी इंतजाम है। मेरा दूसरा सवाल मैडम तो ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित था, बेसिकली जो एक ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद कर रहे थे वो उतनी नहीं हो पाई, और विशेष करके जो टीचर्स के ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जी कुछ कहना चाहेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी? आगे बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। हेलो नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दीजिए सर अपना। हेलो नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हम सुंदरबा से बोल रहे हैं, सतीश कुमार नाम है जी। बोलिए सतीश जी। हम मैडम को बधाई देना चाहते 3 साल की पुष्टि में जी। थैंक यू वेरी मच। और सर आपने जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के जो पहला काम किया जी फोन इन पर, बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो जी। थैंक यू वेरी मच। आपने हरेक आदमी तो मिल नहीं सकता जी सर। हाँ, ये भी है। आपने जो ये काम किया सर इसके लिए आपको बहुत बधाई हो।
तो ये ठीक है, इसको अपने को आप ये कह रहे हो ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए आपकी बधाई सहर्ष स्वीकार कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। और अगला सवाल हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो, हाँ माननीय मुख्यमंत्री मोदी को 3 साल की शुभकामनाएं। थैंक यू जी, नाम बता दीजिए। प्रजापति फलदर्शी व्यापार संघ अध्यक्ष मुआना से बोल रहा हूँ, जयपुर से। मुआना से, हाँ जी मैडम। रेडियो की आवाज कम कीजिए सर, आपके सवाल कीजिए। जी मैडम, हमारे क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री 2008 में हमको भूखंड आवंटन दिए थे। क्या दिए थे? भूखंड, छोटे भूखंड। हाँ हाँ, भूखंड व्यापार करने के लिए। हाँ, और माननीय मुख्यमंत्री ने क्या है कि हमारे पत्थर चरण में 1689 के आवंटन रेट में भूखंड दिए थे। हमने मंडी शिफ्ट करने में माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे सहयोग, हमने साथ दिया था, पूरा साथ दिया था। यस जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रशासक ने 2009 में हमारी डीएलसी रेट बढ़ा दी, डीएलसी रेट प्रथम चरण 1689 दिया। हमने गवर्नमेंट को साथ दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार 2009 में हमारी डीएलसी रेट 15,000-11,500 डीएलसी रेट कर दी गई। कितना कितना? 11,500-7,500 डीएलसी रेट कर दी गई मैडम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 11,500 और हमने 5 साल अशोक गहलोत ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। 2013 में हमने पूरा समर्थन दिया, सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने साथ दिया, और हमारे जो प्रशासक ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया हमारे को। क्या हुआ बताओ तो सही। हमने 51 के लोग मारा लेके गए, पर हमको माननीय मैडम से मिलने नहीं दिया गया। नहीं नहीं, आप बताओ मेरे को, मैं सुन रही हूँ अभी। जी मैडम, हमारा थोड़ा आपसे निवेदन है, हम गरीब लोग हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और जो हमारी समस्या आप तक हम पहुँचना चाहते हैं। जी आप नाम बताओ। भूखंड दिए आपने, हम गरीब लोगों की सुनवाई करते हुए आप, तो माननीय हम 5 साल से आपके कनेक्टिविटी, मेरे को बता दें। कनेक्टिविटी इनकी ब्रेक हो गई है, तो मुहाना से इनका कॉल था। व्हाट इज हिज नेम? मुहाना, वी विल चेक द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन, एंड नाउ वी मूव ऑन, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका सर? मैं अलवर से धर्मवीर शर्मा निवेदन कर रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, श्रीमंत वसुंधरा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इतने शानदार 3 वर्ष के शासन के लिए। धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, आपकी आवाज सुन के अच्छा लगा जी। मैं आपको एक निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि अलवर में अपने MIA में लगभग 850 करोड़ रुपए का काम हो चुका ESIC हॉस्पिटल के मामले में। और ये वो श्रम मंत्रालय जिस समय UPA सरकार थी उनके किन शर्तों पे हुआ, क्या हुआ, अब वो केंद्रीय श्रम मंत्रालय और इसमें थोड़ी स्थिति है, और अलवर में एक मुद्दा बनाने की चेष्टा हो रही है, तो इसमें थोड़ा अपन जो कुछ भी कर सकते हैं जो करना चाहिए, मेरा ये सुझाव था। थैंक यू धर्मवीर जी, मैं उसके ऊपर तुरंत ही, मैंने वैसे तो ESI वाला मामला मेरे ध्यान में है, और आपको भी मालूम है कि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और कोशिश हमारी ये होगी कि इसको जल्दी कर लें जी। ये पूर्व सरकार की गलती है, और जेल से हम लोगों ने 17 बीघा जमीन वैसे भी ले रखा है, आप तो जानते ही हैं, और अलवर के अंदर अपन मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश में हैं, तो बात तो कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, मेरे को लगता है कि इसका सक्सेस भी अपने को हो जाएगा जी। नमस्कार, अगले कॉलर हमारे साथ, नाम बता दीजिए, परिचय दीजिए सर। मेरा नाम दीनदयाल कुमावत है। कहाँ से? और मैं जयपुर ग्रामीण से अभी बगरू से बोल रहा हूँ। जी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल स्वावलंबन का पूरे राजस्थान में एक अमृत के समान काम किया है जी, और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ाया है। मैं ये निवेदन है हमारे यूथ की ओर से कि इसके साथ साथ नरेगा को भी जोड़ते हुए और इसको आगे बढ़ाया, जिससे राजस्थान हिंदुस्तान में जो शुष्क प्रदेश माना जाता है उसको मुख्यमंत्री जो चल रहा है राजस्थान में भी एक अच्छा प्रदेश बन जाए और खेती युक्त विकसित राजस्थान बने। इसके लिए मुख्यमंत्री का हमारे युवाओं की ओर से काफी तादाद में यहाँ पर 100-150 युवा है, वो सब मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते। डीडी हम लोग इस कोशिश में हैं, आप तो जानते हो कि फर्स्ट फेज अपना इतना अच्छा हो गया, अब अर्बन एरियाज में भी अपन ने इसको ले लिया है, सेकंड फेज आपका चालू हो चुका है, उसमें नरेगा भी अपन ने जोड़ दिया है, एफॉरेस्टेशन का काम भी चालू हो गया है, और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमको 150 पेड़ के ऊपर एक आदमी की परमिशन मिली है जो पेड़ों को संभाल सकता है, ऐसे जहां जहां अपन ने पेड़ लगाए हैं
वहाँ वहाँ अपन लोगों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि वो उन पेड़ों को जिंदा रखें और आने वाले समय में उस घने कवर की वजह से पानी का और बरसात भी अच्छी तरह से हो और राजस्थान को जिसे कहते हैं ना सूखा प्रदेश, वो सूखा प्रदेश कम से कम हो जाए। ये मेहनत हमको आपको सबको मिलकर करनी है, आप लोगों ने भी की है पिछले साल, हमने भी कोशिश की है और मैं ये विश्वास रखती हूँ कि अगले 2 साल में किया तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। आपको तो ये मालूम भी है और दूसरों को भी बता दीजिए कि जो जिसको डार्क जोन के ब्लॉक्स कहा करते थे, ऐसे 25 ही ब्लॉक्स थे जिसमें से साफ पानी मिलता था, आज वो ब्लॉक्स 50 हो गए हैं और अगर अगले साल अपना काम अच्छा हो जाता है तो भगवान से प्रार्थना है कि ये 100 तक पहुंच जाए जिसका फायदा हम सबको मिलेगा। जी, कॉलर की तरफ बढ़ते हुए हम, हेलो नमस्कार, परिचय दीजिए सर, बोलिए क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, पंचायत समिति से निवारू सरपंच जीवराज सिंह शेखावत जी। शेखावत जी, पहले तो मैडम को 3 साल के कार्यकाल के अधिक शुभकामनाएं जी हमारी ग्राम पंचायत की ओर से। जी थैंक यू जीवराज जी। मैडम मैं आपसे भी जनसभा में मिला था, ये क्या है निवारू एक शहरी पंचायत है, यहाँ पर कॉलोनियां ज्यादा हैं और ये हमारे पास अच्छा बजट है, आपका अच्छा सहयोग मिल रहा है लेकिन सिर्फ कॉलोनियों में काम नहीं करा सकते। क्यों, क्या हो गया? मैडम ये अपने यहाँ पर जो पंचायत है राज है, ये एक्ट बोलता है कि प्राइवेट कॉलोनियों में काम नहीं करा सकते, जबकि मैं सरपंच एक कॉलोनी वासी हूँ और मेरे पास 21 वार्ड पंच कॉलोनियों के हैं। ऐसा है ना सरपंच साहब, जब अपन कॉलोनीज बनाते हैं तो नॉर्मली कॉलोनी जो कॉलोनाइजर है जी मैम, और जिसको जो जमीन लेता है और जहाँ वो जो खुद तो पैसा बनाता ही है उस पे, वो शर्त उसकी ऐसी होती है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर्स बना के छोड़ेगा। तो जैसे उसने जमीन ली और कॉलोनी की उसने परमिशन ली तो उसको पानी भी देना है वहां, उसको वहां सड़क भी देनी है, उसको वहां बिजली भी देना है, ये उसका काम है। और इसीलिए आपको परमिशन नहीं मिलता है जनता के पैसे को इसमें इस्तेमाल करने का, क्योंकि उसको करना है। तो जब वो कॉलोनी स्थापित करता है ना, आप लोग पहले से ही उसके माने MOU के अंदर वो तय करा दीजिए कि उसको परमिशन तो तभी मिलेगा जब सब चारों पांचों चीज वो अपनी कॉलोनी के साथ करेगा, नहीं तो क्या होता है कि जमीन लेके कॉलोनी काट के पैसे लेके लोग भाग जाते हैं। और ये जरूरी है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी वो पूरी तरह से अदा करें। जी, अगले कॉलर हमारे साथ है, नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, क्या नाम है, परिचय दीजिए और सवाल कीजिए सर। जी मैडम, नाम बताइए अपना। मक्खन सिंह, कहाँ से बोल रहे हैं मक्खन जी? हाँ जी मैडम नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप, सवाल कीजिए। गंगानगर से बोल रहा हूँ मैडम, मैं विद्यार्थी मित्र हूँ। अच्छा बताइए, कोई सवाल आपका? हमारा ये सवाल है कि हम विद्यार्थी मित्रों को रोजगार कब तक दे रही है गवर्नमेंट? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी दे चुकी हैं, तो कुछ नए सवालों के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे नंबर से 0141 और 2260 2270 2280। अगले कॉलर हमारे साथ है, नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताइए और सवाल कीजिए। मैं सुमन शर्मा बोल रही हूँ, कहाँ से? मुख्यमंत्री जी को पहले मेरा नमस्कार जी। और आज दिल की बात में मुलाकात हो रही है, बहुत सुखद अनुभव। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को मेरा आभार इसलिए है जी, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते मुझे लगता है कि एक ऐसी मुख्यमंत्री जो अपने बजट के साथ अपने वादों के साथ महिलाओं को केंद्र बिंदु मान के राजस्थान के विकास की ओर अग्रसर हो रही है जी। इसके साथ ही एक और मेरा रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार उदयपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस की गठित की है टीम उनकी सुरक्षा को लेके, ऐसे ही पूरे राजस्थान से आवाज उठ रही है कि अगर वैसी टीम और अन्य जिलों में हो जाए तो जो मुख्यमंत्री जी का सपना है वो साकार हो जाएगा और राजस्थान का जो हैप्पीएस्ट इंडेक्स होता है किसी स्टेट के लिए वो और अधिक बढ़ जाएगा। हैप्पीनेस क्वोशेंट बढ़ाने के लिए आपने जो सुझाव दिया है उसके लिए सुमन जी धन्यवाद जी। आगे बढ़ते, हेलो नमस्कार, नाम बताइए सर और परिचय देके सवाल कीजिए अपना। हेलो, क्या नाम है आपका, बोलिए जल्दी बोलिए। सुभाष है मेरा नाम। कहाँ से बोल रहे हैं आप सुभाष?
जो मैंने पहले कॉल किया था ना, मैं खाजूवाला से, तो मैं नाम बताना चक्का भूल गया था। चलिए, आपका नाम हमने नोट कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम, नाम बता दीजिए जल्दी से, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं बेगम तहसील से बोल रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ जिले से, महावीर कुमार। जी महावीर जी, सवाल कीजिए जल्दी से। जी मैम, मैं ये चाहता था कि हमारे बेगू विधानसभा में हमारे जो एमएलए हैं वो बिल्कुल नए हैं, तो उनको काम के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, सड़कें काफी खराब है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई प्रोग्राम चलाइए कि अपने एमएलए भी सब ट्रेनिंग में होके और सब काम अच्छे कर सकें। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़े। हेलो, नमस्कार, बोलिए, जल्दी बोलिए नाम अपना और परिचय दीजिए। हेलो, नमस्कार, हमारे साथ कौन है, आइए नाम बताइए। जी क्या नाम है? जिला भानु प्रताप सिंह बोल रहा हूँ, जिला भरतपुर से। बोलिए भानु प्रताप सिंह जी। सादर चरण स्पर्श जी, आगे सवाल। ये है, 3 साल में जो भरतपुर जिले में ऐतिहासिक कार्य किए मुख्यमंत्री महोदय ने, उनके लिए हार्दिक आभार जी। और जो कल गरीब को गणेश मान करके जो संकल्प लिया था संस्था में आने से पहले, उसमें 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में खाना जो दिया जा रहा है, इसको मेरा सुझाव है कि सारे राजस्थान के जिलों में पूरा किया जाए। बानू जी, थैंक यू, आपने ये सुझाव तो दिया। मैं आपको बताना चाह रही थी कि कल अपन ने इसकी शुरुआत की है, 12 जिले से शुरुआत की है, पर इसका मैंने सोच तो यही है कि पूरे राजस्थान के अंदर 300-400 ऐसे रसोईयां चलेंगी, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम इन तक पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप सुन रहे हैं वर्तमान सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे साथ है माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी, और आप कर सकते हैं इनसे बात हमारे नंबर्स मिलाकर 0141 जयपुर का कोड और 2260 2700 2800 3 नंबर्स आपके लिए। नमस्कार। हेलो, हाँ जी, क्या कौन बोल रहे हैं? मैं बाड़मेर जिले से बोल रहा हूँ, रमेश कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए रमेश जी। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना बाड़मेर जिला टेंडर पास नहीं हुआ सर, मैडम जी, मैडम से रिपोर्ट। दीनदयाल फिर से? अच्छा, बिजली वाला, हम चेक कर लेंगे, पता कर लेंगे उसमें क्या हुआ। रमेश जी, आपका जो आपकी जो शिकायत है वो नोट कर ली गई है। हाँ, नमस्कार मैडम, ये गटर योजना जो चल रही है ना, क्या नाम है आपका? रामपाल दरिया बिलूची से बोल रहा हूँ। बोलिए, कोई शिकायत है आपकी? ये राशन कार्ड बना था ना जी, जो मेरा पहले बना नहीं था। अच्छा, लिस्ट में, और लिस्ट और मैं बाद में बनाया था कंप्यूटर से जी, तो मेरा गटर में वो लिस्ट में नाम नहीं है। चलिए, तो आपकी शिकायत हमने नोट कर ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर की हम बात सुनते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ मैडम, मैं मुरारी बोल रहा हूँ। बोलिए मुरारी जी। मैम, मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री साहब आपको बधाई 3 साल की जी। थैंक यू मुरारी जी। मैम, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछना चाह रहा था कि अभी इतना सारा प्राइवेट व्हीकल हो रहा है शहरों में, सब में इतना एक चौराहे को क्रॉस करने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर और
राजस्थान को पॉल्यूशन फ्री बनाने पर क्या काम कर रहे हैं, ये मैं जानना था। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा नोटिस भी किया है और हम लोग ये जरूर कोशिश करेंगे। आज आपके नए मेयर भी बन रहे हैं जयपुर के अंदर, और मेरी कोशिश ये होगी कि सिटी के अंदर आपके मेयर से, आपके जेडीए से बात करके, और ये जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है पोल्यूशन की भी होगी साथ में और इतने सारे बसेस की भी होगी, उस ग्रीन स्टार्टअप के लिए 15 करोड़ रुपए देके कोशिश हम ये कहेंगे कि आपकी ये असुविधा को दूर करें। जी आगे बढ़े। हेलो नमस्कार, भंवरगढ़ से प्रहलाद चौधरी अध्यक्ष जाट समाज बात करना चाहता हूँ मैडम से। बोलिए मैडम से बात कराओ, नाम बोलिए अपना। मैं बोल रही हूँ जी, प्रहलाद सिंह चौधरी। बोलिए चौधरी साहब, आपकी बात सुन रही है मैडम, बोलिए आप। बोलिए महाराणी जी, भंवरगढ़ से बोल रहा हूँ। भंवरगढ़ से जाट समाज। हाँ माननीय साहब, मुख्यमंत्री साहब आपके 3 साल बहुत अच्छे रहे, बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा एक क्या मैंने प्रहलाद, तुम रोहित के बेटे हो? नहीं जी, रोहित जी का नहीं हूँ, उनके पास में ही मकान है। हाँ, आपसे बिल्डिंग मिला था ना, मैं चुनाव में लगा था, चुनाव में अगले चुनाव में आपसे भी मिलकर आया था मैं। हाँ ठीक है, थैंक यू प्रहलाद, बताओ। महाराणी जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जो नरेगा की जो लेबर चलती नरेगा में, हाँ तो इसको किसान से जोड़ा जाए, तो आधा पेमेंट किसान दे और आधा पेमेंट गवर्नमेंट मुक्त, किसानों का भी काम हो जाए और नरेगा वाले लेबर को भी काम मिल जाए। चलिए तो एक सुझाव, चलो एक सुझाव, बहुत अच्छा सुझाव, चलो देख लेते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। आपका सुझाव नोट कर लिया गया है, आगे बढ़े हम अगले कॉलर की तरफ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? की आवाज कट रही है, सुन नहीं पाएंगे। चलिए अगले कॉलर की तरफ। हेलो नमस्कार, इसके बारे में आपको क्या अपेक्षाएं? क्या नाम है आपका? हेलो, हाँ नमस्कार, मैं विकास शर्मा बोल रहा हूँ कोटा से। बोलिए विकास जी। मुझे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना है पूरे राजस्थान के युवाओं की ओर से। बिल्कुल, रेडियो की आवाज को कम करके बोलिए सर, क्लियर आ जाएगी आवाज आपकी। जी जी, बोलिए विकास जी। SMS स्टेडियम में अभी सब युवा यहाँ पर हैं और दीनदयाल कुमावत जी के नेतृत्व में सारे राजस्थान के युवा यहाँ पर एकत्रित हैं जी, और मुख्यमंत्री की दो जो योजनाएं हैं जो राजस्थान की धरती पर मूर्त रूप जिन्होंने लिया है जी, वो एक भामाशाह स्वास्थ्य योजना जी, और दूसरा जो राजस्थान के भविष्य को संवारने वाली योजना है जल स्वावलंबन योजना जी, जो कि राजस्थान को सूखे प्रदेश से हटाकर विकसित प्रदेश की ओर ले जाने वाली दूरदर्शी योजना है। उसके लिए राजस्थान का युवा मुख्यमंत्री का जनतम तल से धन्यवाद दे रहा है जी। थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच। आगे बढ़े। हेलो नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, मैं सुदेश शर्मा बोल रहा हूँ जी, जयपुर से। बोलिए सुदेश जी। अच्छा कनेक्टिविटी यहाँ ब्रेक हो गई है, तो अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नमस्कार। हेलो मैम, मैं विजय प्रकाश। हेलो नमस्कार, हेलो, नाम बताइए सर। हाँ सर, मैम हमारा नाम रितु अंबानी है। बोलिए रितु जी। मैम हमारे को पसलियों की प्रॉब्लम है और हमारा भामाशाह भी बना हुआ है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो भामाशाह के लिए कहते हैं कि आपका भामाशाह जुड़ा हुआ नहीं है स्वास्थ्य योजना से, और दूसरी बात वो कहते हैं कि आप राशन नहीं लेते हैं तो आपको भामाशाह का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैम हमें मैडम से यही सवाल है हमारा, इसको नोट करवा लेते हैं रितु, देख लेते। बिल्कुल रितु जी, आपकी जो बात है वो नोट कर ली गई है और सुलझाएंगे इस मैटर को। अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है सर? हेलो नमस्कार, हमारे नंबर नोट कर लीजिए एक बार फिर से बोल रही हूँ, 0141 जयपुर का कोड है और 2200-600, 2200-700 और 2200-800 ये 3 लाइन्स हैं आप सभी के लिए जिनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, नमस्कार। हाँ नमस्ते मैडम, बताइए नाम बताइए सर। नाम नाम है बारहवें डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा क्या सवाल है सर? मैडम हैप्पी न्यू ईयर करना था। सवाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आप कीजिए यहाँ पर, जो भी आपकी समस्या हो या कोई सुझाव हो तो उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं उसके लिए। हेलो नमस्कार। नमस्ते मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है मैडम। मुकेश जी बोलिए। हाँ मैं पाली जिले से बोल रहा था मैम, मैं विद्यार्थी मित्र था मैम। सरकार ने 3 साल से पहले साल में कहा था कि भाई हमारा आपका पहली वर्ष पर घोषणा कर दी कि आपको नियमित करेंगे मैडम। चलिए तो विद्यार्थी मित्र को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी अपना जवाब दे चुकी है।
और अगले हम कॉलर की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, नाम बताएं सर। घनश्याम बोल रहा हूँ मैडम। कहाँ से? जोधपुर से। बोलिए घनश्याम जी, क्या सवाल आपका? सवाल ये है मैडम, प्राध्यापक परीक्षा 2015 की जो लगे हुए हैं मैडम, उनकी नियुक्ति कब तक होगी? जी अब ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे बता सकते हैं, आपको विभाग से पूछना पड़ेगा ये तो। बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ है। हेलो। हाँ जी, मैं वर्तमान मोदी बालोतरा से बोल रहा हूँ। जी सर। मैं मुख्यमंत्री जी से कुछ फरियाद करना चाहता हूँ। तो आपकी फरियाद सुन रही है, बोलिए। तो बालोतरा में हमारे जो मीठे पानी की समस्या को लेकर हम कई वर्षों से जूझ रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। हाँ, मीठा पानी नहीं मिल पाया बालोतरा वासियों को अभी तक। जी, तो इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पोखरण फलसून की बात कर रहे हैं? हाँ, प्रणाम। हाँ, मैं पता कर लेती हूँ आपके मंत्री जी से किस चीज की बात आप कर रहे हैं, और उसको अपन फॉलो कर लेंगे। जी, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हाँ मैडम, जगदीश नोनपुरा बोल रहा हूँ, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जयपुर देहात से। जी हाँ मैडम, मैं कनेक्टिविटी ब्रेक होने के कारण हम अगले कॉलर से जुड़ रहे हैं। नमस्कार। हेलो। जी सर। जी मैं शशांक बात कर रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। बोलिए शशांक। ये मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो ट्रांसफर होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, ये किस बेस पे करते हैं? जैसे कि मेरे फादर एंड मदर बोथ आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जी, एंड दे शुड बी पोस्टेड इन वन डिस्ट्रिक्ट, बट दे आर पोस्टेड इन वेरियस प्लेसेस, सो आई थिंक दैट इज नॉट फाइन। थैंक यू फॉर योर योर सुझाव। जी, नोट कर लिया गया है आपका सुझाव, उस पर कार्य करेंगे। और मैम, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं रिसर्जेंट राजस्थान, जिस तरह से राजस्थान वासियों के लिए रिसर्जेंट राजस्थान की बात की गई थी, एक नई आशा और विश्वास का एक अंकुर बोया गया था, तो क्या कुछ, किस तरह से ये योजना सभी के लिए लाई गई और क्या कुछ इससे हासिल हुआ और आने वाले वर्षों में? नहीं, अब रिसर्जेंट राजस्थान एक बहुत जरूरी बात थी, क्योंकि निवेश राजस्थान में जब आएगा, इंडस्ट्री जब लगेगी, तो आपके रोजगार का क्रिएशन भी होगा जी। और इसको ध्यान में रखते हुए सेकंड ईयर में हम लोगों ने रिसर्जेंट राजस्थान को राजस्थान में पेश करने की कोशिश की। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 470 MOUs करीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए का हम लोगों ने सिग्नेचर्स किए हैं, और आज के दिन इसी एक वर्ष के अंदर 5,000 करोड़ का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, और 54,000 करोड़ के अलग अलग स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में हैं, एंड करीबन 50,000 करोड़ अभी प्रोसेसेस उनके अंदर हैं। मैं ये कोशिश है हमारी कि अगले 2 साल के अंदर ये सब चीज जमीन के ऊपर आ जाए। हर चीज की म्याद होती है, और अगर MOU साइन होता है तो घंटों में तो इंडस्ट्री खड़ी नहीं होती है, और अगले 3 साल में ये खड़ी हो जाएंगी, तो मेरा मानना है कि करीबन 2 लाख लोगों को इसका फायदा, बच्चों को फायदा मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए एक सोलर एम्पावरमेंट जो है, हमारी सोलर सेक्टर अलोन जो है, उसमें करीबन 1 लाख करोड़ के MOUs हुए हैं। इसका लॉन्ग टर्म जेस्टेशन है, तो उसका 1 साल 2 साल नहीं, उसका समय लग सकता है। बिल्कुल। और एक नई, परंतु ये होने से पॉलिसी पैरालिसिस जो थी वो भी हट गई, करीबन 14 नई पॉलिसीज जमीन पे आ गई, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उसमें फायदा मिलेगा। और मैं समझती हूँ कि स्टार्टअप हो, इनक्यूबेटर्स हो, यंगस्टर्स के लिए एक एक मौका मिले, ये को उसको ध्यान, इसमें ध्यान देते हुए हम लोगों ने रिसर्जेंट राजस्थान को एक सक्सेस बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल। एक और आयोजन आपका ग्राम का आयोजन काफी अच्छा रहा, ऐतिहासिक रहा, तो किसान भाइयों को तकनीक, विपणन और समस्त जानकारी एक साथ और एक जगह पर मिली, तो किसान भाइयों की सहभागिता जो सकारात्मक रही, तो क्या आप उनके लिए और कुछ नए कार्यक्रम सोच रही हैं, योजनाएं? देखिए, रिसर्जेंट राजस्थान लगा, निवेश आया, हम लोगों को सुनने भी मिला कि भाई रिसर्जेंट राजस्थान का क्या मतलब है, कुछ लोगों ने इस तरीके से कहा। अब आपको अगले 2 साल के अंदर ये देखने को मिलेगा कि इसका कितना फायदा राजस्थान को मिला है। इसी तरीके से हमने कहा कि इम्पोर्टेंस हमको देना है हमारे फार्मिंग कम्युनिटी को, और इसीलिए ग्राम करके हमने रिसर्जेंट राजस्थान जैसा ही एक बहुत बड़ा पहल किया है। ये 70 इंडिपेंडेंस के 69 साल के अंदर ऐसा कार्यक्रम
राजस्थान में तो हुआ नहीं है, और देश में भी लोग कहते हैं कि ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग इवेंट हुआ है। आज इनोवेटिव एग्रीकल्चर टेक्निक्स और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, फार्मर का जो ओवरऑल इनकम किस तरीके से बदल सकता है, इनके ऊपर गोष्ठियां वगैरह, लोगों से मिलना, बातचीत करना, इन लोग किसानों को मौका मिला। करीबन 60,000 किसानों ने पार्टिसिपेट किया, छोटा नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट से लोग आए और करीबन 38 MOUs 4,400 करोड़ के दस्तखत हुए। इसमें हमने एक फॉरेन कंट्री की पार्टनरशिप ही रखी, इसराइल हमारा पार्टनर बना, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, ईरान, कजाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी और नाइजीरिया के क्या कहते हैं राजदूतों ने भी और उनकी कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया जी। इसका फायदा लोगों को मैंने इतना अच्छा लगा कि हमको सब ने कहा कि अगर हो सके तो आप मेहरबानी करके इसको ले जाइए हमारे डिवीजन हेडक्वार्टर पे, संभाग हेडक्वार्टर पे। तो 2018 अप्रैल के पहले पहले चार और इस तरीके के ग्राम पर संभाग हेडक्वार्टर पे हम पूरा करेंगे। बिल्कुल। और इन तीन वर्षों में क्या कोई ऐसा संकल्प आप मानती हैं जिसको पूरा होने में अभी वक्त लगेगा? कोई ऐसा संकल्प, कोई ऐसा सपना जो आपने सोचा हो उस पर कुछ काम नहीं हो पाया हो? ऐसा तो नहीं है, कुछ मंत्रालयों को और सपोर्ट करने की कोशिश है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब सरकार में हम लोग आए तो हम लोगों ने कुछ एरियाज को पहले लाने की कोशिश की, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर था। सेकंड में हमने लाने की कोशिश की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, और थर्ड में पीपल ओरिएंटेड का काम हमने लाने की कोशिश की। सो सबसे बड़ी बात तो ITIs के द्वारा, जो राजस्थान में बहुत सारी ITIs लग गई हैं पार्टनरशिप में भी और सरकारी में लेवल में भी, हमने ये कोशिश की है कि बच्चों के स्किल को डेवलप करने की हम कोशिश करें। एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी आ रही है प्राइवेट में और एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी आ रही है सरकार के साथ। इन दोनों स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ हम लोग अपने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में मजबूत करने की कोशिश करेंगे ताकि वो बाहर जा सकें। और मैं समझती हूँ कि आज करीबन हमने कहा था 15 लाख बच्चों को रोजगार का अवसर हम लोग देंगे, देने की कोशिश करेंगे जी। तो मैं देख रही हूँ करीबन 11 लाख से ऊपर हो गए हैं, जिसमें से 1 लाख करीबन सरकारी नौकरी है और 10 लाख करीबन हम लोगों ने गैर सरकारी स्टेज के ऊपर मैंने अवसर देने का काम किया है। ऐसे 2 साल के अंदर 4 लाख और करवाने हैं, मैं तो समझती हूँ कि वो भी हो जाएंगे, शायद उससे ज्यादा भी हो जाएंगे। बिल्कुल। इन 3 सालों में वो काम जिससे आपको लगता है कि आपको बहुत खुशी मिली, मतलब आपका मुख्यमंत्री बनना सार्थक हुआ, दिल की कोई ऐसी बात जो पूरी हुई? इसमें हमने अपने कार्यक्रम में हैप्पीनेस इंडेक्स मैंने खुशी उसको जोड़ने की कोशिश की है। लोग मेरे से पूछते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, मैंने कहा कि हैप्पीनेस इंडेक्स वो है जिसमें आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, राइट, बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने 2-3 चीजों, छोटी छोटी चीजें, इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं होती है, टॉय बैंक हमने ऑल आंगनवाड़ी सेंटर्स जो भी हमारे हैं उसके अंदर ये कोशिश की है कि सब लोग जो अपने अपने पुराने टॉयज जो हैं फेंकने के बजाय एक जगह पे इकट्ठा कर दें और हम ये आंगनवाड़ी सेंटर्स के बीच में उनको बांटते हैं ताकि वहां बच्चों का क्रेश वगैरह होता है तो उनके खिलौनों के साथ खेल सकें। क्लोथ्स बैंक, हम सबके ऐसे कपड़े हैं जिनको अब हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं, वो एक जगह पे लाके उनको डाल दें, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम उस जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो आप उन पे कपड़े डाल दीजिए, हम उनको धुला के, इस्त्री करा के और ऐसे लोगों को देने की कोशिश करेंगे जिनके पास कपड़े नहीं है। इसी तरीके से फ्री खाना एनजीओ के सपोर्ट से, आपने अक्षय पात्र के सपोर्ट से देख लिया कि कितने सारे बच्चों स्कूल्स के अंदर अक्षय पात्र खाने का इंतजाम कर रही है। इसी तरीके से अन्नपूर्णा रसोई आपको खुशी दिलाएगी, right. अभी 5 रुपए ब्रेकफास्ट और 8 रुपए दोनों दोपहर का और रात के खाने का। हम इस कोशिश में हैं कि ये खाना सब लोगों को पूरे राजस्थान के अंदर मिल जाए जी। और इसके साथ साथ मैंने भी कोशिश की है कि मैं इलाके के अंदर जाऊं, 2-2, 3-3 दिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर रुकूं और वहां की भी खबर लेने की कोशिश करूं और ये पता करूं कि क्या मुसीबतें हैं जिनको किस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। और अभी तक मैंने करीबन 10 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और आपकी ये अप्रतिम ऊर्जा इसी तरह बनी रहे, क्या संदेश के रूप में सभी प्रदेशवासियों को कहना चाहेंगे? ये काम अकेले नहीं कर सकती जी। आपको सबको मेरे साथ चल के करना होगा, हम सब साथ चलेंगे तो ये काम कर पाएंगे। और एक छोटा सा शायर, एक छोटी सी शायरी आप लोग सबके लिए,
कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और जटिल हो जाए। नापना चाहते हो अगर हमारे परों की हिम्मत को, तो कह दो आसमान से थोड़ा और ऊपर हो जाए। वाह, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आप सुन रहे थे विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम। इसका निर्देशन किया सुधीर राखेजा ने, तकनीकी निर्देशन किया विजय इसरानी ने, तकनीकी सहयोग दिया सुधीर सारस्वत ने, प्रस्तुतिकरण सहयोग एमके शर्मा, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राकेश जैन। और अब सुषमा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।